यहाँ पे कोई गे है क्या बाय एनी चांस? आओ स्टेज पे. ऑडियंस नहीं नहीं बुरा बुरा मत मानना. देखो कोई भी बुरा नहीं मानेगा पहली बार. अच्छा और हाँ नहीं 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 आप सही में आने वाले थे. यार मैं कैसे चेक करूंगा? ऐसी क्या चीज है जो ऐसा कोई यंत्र नहीं बना सर. मैं तो गुदगुदी कर देता. अरे आप बहुत बनो. नहीं 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 मैं मेरे पास जोक है इसलिए मैं पूछ रहा था कोई गया क्या, क्योंकि मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता. बट जैसे यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं ना, तो वो उनको पता है कि जैसे आप लोग ना बहुत ही एम्पैथेटिक रहते हो, है ना, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे रहता है कि नहीं नहीं है ना. हाँ हाँ मतलब आप लोग पेन फील कर पाते हो, जैसे देख रहे हो बिल्कुल वो ऐसे है कि बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग. आप लोग देखो चुपचाप बैठे हो, वो देखो आप हाथ ऐसे नहीं नहीं डर नहीं समझ रहे हो ना. मतलब अगर मैंने गलती से ऐसे अपने हाथ मतलब दोस्त का हाथ पकड़ लिया ना, समझो दोस्ती खत्म, मतलब कुछ नहीं है. वो ऐसे बोलता है मैं नहीं हूं तुम में से. जैसे हाँ जैसे लड़कियां हैं ना इतनी सारी हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं वही समझ पाएंगे. जैसे आप ये लोग मानोगे ना, थोड़ा सा हम ये इसके साथ ऐसे अनकंफर्टेबल रहते हैं. वही है यहाँ पे जो कंफर्टेबल है, मतलब समझो अनकंफर्टेबल इन द सेंस कि मैं ऐसे नहीं कह रहा कि तुम उनको मतलब बेसिकली तुम्हें उनसे चिढ़ है, बट तुम हमेशा ऐसे थोड़ा सा रहोगे कि ये है ऐसा. समझ पा रहे हो तुम? मैं इमोशन नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है ये जो करने पर, मैं इमोशन समझाना पा रहा. जैसे मैं मेरी गर्लफ्रेंड है ना, तो वो मेरे को बोलती है कि तेरे को गे से दिक्कत है क्या, तू जोक्स करता है ऐसे. मैंने कहा नहीं नहीं बट मैं अनकंफर्टेबल हूँ, समझो आप. जैसे लड़कियों को नहीं समझ में आता, जैसे आप कंफर्टेबल हो राइट, अगर आपको ऐसा नहीं होता ना कि ये ऐसा है ना, कैसे समझाऊँ यार तुम्हें, मैं समझ ही नहीं पा रहा. चलो ठीक है देखो मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, कोई भी बुरा मत मानना बट समझ जाना मैं क्या बोलना चाहूँ. देखो जैसे मेरा एक दोस्त है, ठीक है, तो वो गे है, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट मैं उसके साथ हमेशा अनकंफर्टेबल रहता हूँ. अनकंफर्टेबल का ऐसा नहीं है कि मैं मतलब उसके साथ हैंग आउट नहीं करता, ऐसे हम लोग साथ में ऐसे सोते नहीं, मतलब साथ में सोते नहीं, मतलब समझो समझो समझ गए ना तुम. ये देख रहे हो मेरे को बोलने में भी ऐसा झिझक हो रही है, क्योंकि मुझे पता है ये सब ऐसे करेंगे ओहो ऐसे, ठीक है. तो समझ रहे हो ना, तो मैंने कहा यार कैसे, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड बहुत गुस्सा करती है यार कि तू ऐसे ना ऐसे बेइज्जती मत किया कर, दे आर ऑल्सो ह्यूमन. मैं ये बोलता हूँ कि आई नो दे आर ह्यूमन, मैं ये नहीं कह रहा कि वे ह्यूमन नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं उनके साथ हमेशा अनकंफर्टेबल रहूँगा. और वो कैसे समझाओ यार, वो मैन यार वो मैन की साइकोलॉजी है. देखो मैं जैसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे समझाया, हो सकता है मैंने गलत तरीके से समझाया. जैसे मेरी गर्लफ्रेंड ना, मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे समझाया कि मैंने उसको बोला कि देख जैसे मेरा भाई है, ठीक है, अगर वो आज आके बोल देता ना कि मम्मी मैं गया हूँ, मैं मतलब माता पिता तो होंगे थोड़े से है ना, बट मैं चाहूँगा ना कि इस बंदे को प्यार मिले, ये खुश रहे. जैसे मेरा भाई है, आ जाके बोल देता मैं कभी गुस्सा नहीं होऊंगा, ठीक है, मैं हमेशा चाहूंगा कि इस बंद, अगर वो किसी को आके बोल देता ना कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है या मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, मैं खुश रहूँगा कि हाँ कर कोई दिक्कत नहीं है. हाँ क्योंकि तुम चाहोगे ना, देखो थोड़ा बहुत गुस्सा रहेगा बट आफ्टर पॉइंट यू विल कि हाँ मतलब यही तो होता है ना लाइफ. बट एक मिनट के लिए मेरे दिमाग में ये जरूर आएगा ये करता है यार. देखो तुम लोग ऐसे एम्बेरस हो रहे हो ना, समझो ये सिर्फ हम लोग समझ रहे हो ना. और मेरा भाई है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, वो ऐसे करेगा ना कि भाई कैसे हो, मैं बोलूँ नमस्ते वैसा, ये सिर्फ यही समझ पाएंगे आप मैं बोल रहा हूँ एम्बेरस हो रहा हूँ. लड़कियां नहीं समझ पाती यार ये देखो ये पागल हो रहे हैं ना, क्योंकि इनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ. मैं बिल्कुल हाँ मैं जानता हूँ ना लॉन्डो को कैसा सोचते हूँ.